जय श्री माता जी। आज मैं आपको दिखाऊंगी माता जी के दिखाए हुए लेमन को कैसे यूज़ करते हैं चक्र क्लियरेंस के लिए और थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमें एक नींबू लेना पड़ेगा। नींबू का ऐसे जो हार्ड पार्ट होता है थोड़ा सा उसे हाथ से ही निकाल के माता जी के सामने रखना पड़ेगा ओवरनाइट वाइब्रेशन के लिए, और नेक्स्ट डे हम उस नींबू से चक्र क्लियरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जब बाहर जाओ तब भी आप ये नींबू अपने साथ रख सकते हो ताकि आपको ये लगे कि माता जी का वाइब्रेशंस हमेशा आपके साथ है, उनके ब्लेसिंग से आपका सारा काम हो जाएगा। माता जी के आशीर्वाद से नींबू एक्चुअली सारा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कभी कभी हम जब वैसा वाइब्रेटिव नींबू अपने साथ रखते हैं बैग में या कहीं पे पूरा दिन, तो कभी कभी अगर वो नींबू हार्ड हो जाए या थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब उसको पेपर में रैप करके फेंक देना चाहिए, फिर एक नया नींबू माता जी के सामने वाइब्रेट करके फिर अपने साथ रखना चाहिए। नींबू के उस ओपनिंग में आप माता जी का वाइब्रेटेड वाला सिंदूर भी लगा सकते हो। आप जब फूड सोकिंग करते हो तब भी आप ये नींबू वाला प्रोसेस कर सकते हो। और बस आप ये देख लीजिएगा कि नींबू का कंडीशन अच्छा हो, साफ हो, कोई दाग वाग ना हो। और ट्रीटमेंट के लिए हमें सपोज़ कहीं पे दर्द है, सपोज़ लेफ्ट साइड के कहीं पे दर्द है, तो हम लेफ्ट साइड माता जी का रख के उस नींबू को हम उस पॉइंट में, सपोज़ यहाँ पे दर्द है तो उस पॉइंट में रख के माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि माता जी प्लीज़ मेरा ये दर्द ठीक कर दीजिए। नींबू ये एक अच्छी बात है कि नींबू से हम चक्रों के क्लियरेंस हर एक चैनल का कर सकते हैं, लेफ्ट भी, सेंटर भी और राइट भी। सबसे पहले हम माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माता जी हम अभी ये आपके वाइब्रेटेड वाला नींबू से मैं अभी अपने चक्रों के क्लियरेंस के लिए बैठूंगी, आप प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं ये सक्सेसफुली कर पाऊँ आपके आशीर्वाद से। सबसे पहले बंधन ले लीजिएगा, फिर हम ये वाइब्रेटेड वाला नींबू ले के हम पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम मूलाधार चक्र को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि वो क्लियर हो जाए। लेफ्ट हैंड माता जी की तरफ ही रखेंगे ऐसे मूलाधार चक्र को, फिर स्वाधिष्ठान, फिर नाभि, फिर लेफ्ट वॉइड, फिर अनाहत या हार्ट चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र। सिमिलरली हर एक सेंटर के चैनल में भी हर एक चक्र में ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मूलाधार से शुरू करेंगे, स्वाधिष्ठान, नाभि, भावसागर, हार्ट, थ्रोट, आज्ञा। सिमिलरली राइट चैनल के हर एक चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, राइट भावसागर, हार्ट, थ्रोट, आज्ञा। बैक आज्ञा के लिए हम पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन पीछे हम जब करेंगे तब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हम सहस्रार में भी घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज 7 times। फिर जब ये हो जाए अभी फिर से बंधन ले लीजिएगा। जय श्री माता जी, और माता जी को धन्यवाद करते हैं।